अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय किचन। आज हम बनाएंगे ब्राउनी विद सिज़लर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी ब्राउनी। तो उसके लिए मैंने 1/2 कप मैदा लिया है, ये मैं अपने बॉल में ट्रांसफर करूँगी। 1/3 कप ही मैंने कोकोआ पाउडर लिया है, वो भी हम ट्रांसफर करेंगे इसमें और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स करना है इसमें और मैं इसमें 1-2 चुटकी नमक डालूंगी। तो नमक से काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, सब चीज़ें बैलेंस हो जाती है, इसलिए हमें नमक डालना बहुत ज़रूरी रहता है। तो हम इसे अच्छे से भूनेंगे ताकि हमें इसमें वाइट पार्ट कभी दिखाई मतलब दिखने ना पाए, हम इतना अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। और यही स्टेज पे हम अगर आपको इसमें अगर आपको ड्राई फ्रूट्स डालना है, मैं वॉलनट केक वॉलनट ब्राउनी बना रही हूँ तो मैं इसमें थोड़े से वॉलनट डालूंगी। अगर आपको आपके मनपसंद जो भी आपको पसंद आते हैं जैसे पिस्ता वगैरह काजू बादाम वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैं थोड़े अब डालूंगी और थोड़े मैं गार्निशिंग के लिए बचा लूँगी। मैंने 3-4 अखरोट को क्रश करके रख लिया था, देखिए अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये मेरा रेडी हो गया ड्राई इंग्रेडिएंट्स। अब हम जाएंगे वेट इंग्रेडिएंट्स पे, तो मैं आपको बताती हूँ उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए। तो हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले हम अंडे लेंगे। 2 अंडे को हम लोग अच्छे से तोड़ के इसमें डाल देते हैं। फिर डालूंगी इसमें, ये मैंने तेल लिया है 1/2 कप तेल लिया है और 1 कप मैंने शक्कर ली है। मेरे पास पिसी हुई शक्कर थी, अगर आप चाहें तो आपके घर में जो भी हो शक्कर उसे आप पी सकते हैं। अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप 1 कप लेके आप इसे पी सकते हैं। तो अब हम इसे पी तो हमें इसे जब तक ब्लीड करना है तब तक ये अपने साइज़ में डबल ना हो जाए और हमारे अंडों का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें इसे बीट करना है। तो हम इसे कम से कम लगभग 5 से 7 मिनट तक हम बीट करेंगे। ये 1 कप बैटर हमारा रेडी है। अब मुझे इसमें डालना है कुकिंग चॉकलेट। तो ये मेरे पास मिल्क कंपाउंड है, मैं इसे ओवन में मेल्ट करूँगी और मुझे इसमें 1/3 कप इसमें ऐड करना है। तो मैं इसे पहले मेल्ट करूँगी और फिर मैं आपको बताती हूँ इसमें मिक्स करना है। तो जब तक मेरी चॉकलेट मेल्ट हो रही है मैंने यहाँ पे एक पतीला चढ़ा दिया है प्री हीट होने के लिए और यहाँ पे अंदर मैंने रिंग रख दिया है। आप इसमें स्टैंड के लिए कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आपके पास अगर गैस का स्टोव का स्टैंड वगैरह जो भी हो आप इसमें रख सकते हैं। तो जैसे मैंने ये लगा दिया है और इसे मैं प्री हीट करने के लिए एटलीस्ट ढक रख दूँगी। तब तक हमारा वो हो जाए, तब तक हमारा ये भी गर्म हो जाएगा तपेला। तो ये रहा मेरा 1/2 कप कुकिंग चॉकलेट, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी और बस हमें इसे मिक्स करना है। हमें ज़्यादा बीट नहीं करना है, बस हमें इसे मिक्स करना है। तो अब हम हमारे वेट और ड्राई को दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करना है हमें, अच्छे से मिलाना है ताकि हमें कोई भी इसमें लम्स ना दिखे और हमारा जो वेट इंग्रेडिएंट्स है बैटर हमारा अच्छे से स्मूथली मिक्स हो। सो मैंने ये केक टिन ले लिया है, उसे अच्छे से ग्रीस करके फिर मैंने इसमें अब केक का पेपर लगा दिया, पार्चमेंट पेपर, और ऊपर से भी मैंने इसे ग्रीस कर दिया। अगर आपके पास मेरे पास ये सर्कल में, अगर आपके पास स्क्वायर में है तो और ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ब्राउनीज को हमको स्क्वायर में ही काटना है। तो अब मैं ये अपना बैटर जो है इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो मैंने ये अपना बैटर इसमें ट्रांसफ़र कर लिया है। अब जो इसमें एयर पॉकेट जो आपको दिख रहे हैं वो सब हमें हटाना है। हम इसे कैप करेंगे। अब जो हमारे बचे हुए हमने वॉलनट जो लिए थे वो हम ऊपर से गार्निश के लिए रखें। तो हमारा बर्तन भी अभी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका है तो अब हम इसे अपने बर्तन में रखते हैं। तो हमने इसमें अभी रख दिया है और हम इसे अभी कवर करके एटलीस्ट 40 मिनट इसे बनाए पकाएंगे। 40 मिनट के बाद में बीच बीच में हम इसे एक बार चेक करके देखते रहेंगे। तो हम अब हम इसे 20 मिनट के बाद में वापस से चेक करेंगे और फिर ढक के जितना टाइम लगेगा जैसे 10 मिनट और 20 मिनट जैसा लगेगा फिर मैं बताती हूँ आपको। मैंने अपना फ्लेम जो है मीडियम रखा है
मीडियम रखा। तो मिलते हैं 20 मिनट्स। तो ये मेरे 40 मिनट्स हो गए हैं, मैं इसे पिक करके देखती हूँ, मेरी नाइफ भी क्लियर नहीं कर रही है। बीच में मैंने एक बार इसे वापस से चेक किया था 40 मिनट्स पे, तो मुझे थोड़ी सी कसर लग रही थी, तो फिर मैंने इसे और 20 आधे घंटे में मैंने चेक किया था, फिर मैंने इसे 10 मिनट बनाया। तो अभी मैं इसे टोटली ठंडा होने दूंगी, एकदम ठंडा होने। देखिए पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, अब हम इसे देखिए कितने अच्छे और कितने हमारे टेक्सचर, देखिए इसका कितना अच्छा बना है हमारा ब्राउनी। और इसी तरीके से बनाइए आप, बिल्कुल मेजरमेंट अगर आपका सही होगा तो परफेक्ट ब्राउनी बनेंगे। देखिए इसकी शाइन देखिए और कितना अच्छा क्रैकी इसमें आया है, कितना अच्छा लुक आया है, देखिए बहुत ही अच्छे से ये बना है। तो मैं अभी आपको उसको सिज़लर प्लेटिंग करके दिखाती हूँ। तो चलिए मैं आपको प्लेटिंग करके बताती हूँ। हम एक पीस रखेंगे अपनी इसकी, फिर रखेंगे हम आइसक्रीम जो मेरी मेल्ट हो चुकी है, पता नहीं क्यों मेल्ट हो गई। अब हम इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा हर्शीज फ्लेवर।